आज जो ये कार्यक्रम रखा है ये महाराष्ट्र प्रांतिक तहलीक महासभा का एक बड़ा आज अपने को देखने के लिए मिल रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये निम्न वर्ग का जो भी तेली समाज है, जहाँ हमारी सब कास्ट 40 कास्ट है, जो भी हर समाज में हमारी कास्ट फैली चुकी है, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, चाहे मराठा समाज हो, इसमें भी तेली कास्ट है, जो आज एक साथ ये यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। इसका एक कारण है जो महाराष्ट्र प्रांतिक तहलीक महासभा, जो हमारे अध्यक्ष माननीय श्री खासदार तड़स साहब, इनके नेतृत्व में हम ये आज पदाधिकारी मेलावा जो हमने आयोजन किया है, इसका एक ही मकसद है। ये मकसद ये है कि ये राजनीतिक जो भी हमारा आरक्षण है ये हमको मिले, जो हमारा छीना गया है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो तेल गाना है, हमारा जो मुख्य बिजनेस हमारा तेल गाना है तेली लोगों का, इसके ऊपर हमको कम ब्याज में लोन मुहैया कराया जाए। दूसरा, हमारे को जो सूटा तेल बेचे, जो फ्री तेल बेचे, ये तेल बेचने के लिए हमको अनुमति मिले, इसके ऊपर हम कहना चाहते हैं। और ये जो समाज आज हम 450 पदवियाँ उनको देने जा रहे हैं, एक्चुअल में इनको प्रदान करेंगे तो ये लोग अच्छी तरीके से इसका काम करके जो और जगह से जहाँ पे जो समाज फैल चुका है उनको इकट्ठा करने का काम करेगा। और इसके ऊपर हम ये कहना चाहते हैं कि ये इकट्ठा होकर जो आगे हमारी भी जो भी मांगे होगी वो पूरी करने के लिए हमारा ये समाज आगे आएगा। प्रदेश सेवा आघाडी महाराष्ट्र प्रांतिक तहलीक सभा महासभा याचंही या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, आपल्याही मनपूर्वक स्वागत आहे। सुभाष सरांना विनंती आहे मंचावर यायचं आणि त्याचप्रमाणे दोन आपण आज पदाधिकार सोपवणार आहोत, ज्यांच्या खात्यावर आपण जबाबदारी टाकणार आहोत, त्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। गोष्ट कोणतीही असो सुरुवात अगदी लहान असते असं म्हटलं जातं, पण मित्रांनो आज हा जनसमुदाय पाहिल्याच्या नंतर सुरुवातही लहान असते असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही। आणि म्हणून असं वाटतं की जर सुरुवातच अशी असेल तर मग प्रथम जर त्याचा आरंभ असा असेल तर मग तो कार्यक्रम कसा असेल आणि त्यानंतर त्याचे परिणाम काय असतील। हा माणसाला माणसाशी जोडण्याचा उपक्रम आहे जो आपला समाज बांधव काही ठिकाणी अजूनही उपेक्षितपणे जगतोय, खरं तर त्या समाज बांधवाला जोडण्यासाठी हा कार्यक्रम आहे।